कि च्यवनप्राश कभी गर्म नहीं तो करता। ये जो इसका सवर्ण तत्व होता है, ये आंवला कभी पित्त को नहीं बढ़ाएगा। जी और ये आंवला मैं पहाड़ी क्षेत्र से हिमाचल से लेके आया हूँ जी, सिरमौर एरिया से। च्यवनप्राश मैं तो यूँ कहता हूँ कि आप दूध के साथ सेवन ना करें इसको, दूध की बजाय आप सीधा एक चम्मच कम से कम 10 मिनट धीरे धीरे लार के साथ चबा चबा के खाए, और ऊपर से थोड़ा सा गुनगुना आधा कप एक कप पानी पी ले, वो बेहतर रहता है। जो पुरानी कब्ज थी वो ठीक हुई इससे। कई ऐसे लोग मेरे पास आए हैं जिनको दमा था, सांस फूलता था, दमा अस्थमा जिसको बोलते हैं, अस्थमेटिक जो बीमारी, वो इस च्यवनप्राश के सेवन से उनका दमा अस्थमा ठीक हुआ है जी। एक पे नहीं, कई लोगों का मैंने रिजल्ट लिए है। इसी तरह नजला जो आप देख सकते हैं, बहुत से मरीज मिल जाएंगे, नजला साइनस होता है, नाक से डॉक्टर बोलते हैं इसका ऑपरेशन होगा। मैं उन साथियों को सलाह देता हूँ, आप एक बार इस च्यवनप्राश का सेवन करके देखें। आपको किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हो अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। दोस्तों आप और हम च्यवनप्राश तो खूब खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि च्यवनप्राश बनता कैसे है? हमने यूँ कह सकते हैं कि डब्बों में बंद काला गुड़ खूब खाया होगा च्यवनप्राश के नाम पे, लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 100% शुद्ध ऑर्गेनिक और स्वदेशी च्यवनप्राश। पूरी तकनीक इनसे जानेंगे आप जो हमारे साथ किसान दंपति देख पा रहे हैं कि 5-6 सालों से च्यवनप्राश बनाने का काम भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भाई राजीव दीक्षित के बड़े फैन हैं, आदर्श मानते हैं अपने। तो अभी बात कर लेते हैं कि च्यवनप्राश बनाने की पूरी प्रक्रिया किस तरीके से ये बनाते हैं, और च्यवनप्राश के बारे में काफ़ी सारी गलत धारणाएं भी हैं, भ्रांतियां भी हैं कि च्यवनप्राश ज़्यादा खाने से गर्मी हो जाती है शरीर में, इसकी तासीर गर्म होती है, या फिर कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि च्यवनप्राश खाना कब चाहिए। च्यवनप्राश खाने के बाद कई लोग दूध पीते हैं, और कई लोग ये मानते हैं कि च्यवनप्राश अगर ज़्यादा सेवन कर लिया जाए तो इसकी वजह से जैसे कब्ज इत्यादि और बीमारियाँ भी हो जाती है। तो भाई साहब से अपने जानेंगे इस बारे में क्या कुछ सच्चाई है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, वंदे मातरम, जय गौ माता। सर एक बार छोटा सा परिचय करवा दीजिए हमारे दर्शकों को। जी मेरा नाम राजपाल भारत है विश्वकर्मा, और मैं फतेहाबाद हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। छोटा सा गांव है, गांव का नाम है डिंगसरा जी। और लगभग 5 सालों से हम इस कार्य से जुड़े हुए हैं। 2011 में हमने भाई राजीव दीक्षित जी को सुना, और उनकी प्रेरणा से हमारा पूरा परिवार, पूरे जीवन के अंदर जो हमने बदलाव किए जो भाई राजीव दीक्षित जी ने बताए थे, और जो ये च्यवनप्राश है हमने अपने जो गुरुजी स्वामी हरिहरानंद जो ब्रह्मचारी जी थे और हिमालय में रहा करते थे, और जब भी गांव में आते थे तो वो हमारे शिव कैलाश आश्रम में रुकते थे, और यहाँ पर आश्रम में वो एक गुड़ का च्यवनप्राश बनाते थे, और बड़े रस रसायन के बहुत बड़े वो ज्ञाता थे, बड़ा आयुर्वेद का उनका ज्ञान था। तो उनके द्वारा ये चीज़ मैंने सीखी, और उस चीज़ को, क्योंकि गुरुजी ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन हम उस परंपरा को, उसके उनके द्वारा जो सीखी हुई चीज़ है वो समाज को स्वास्थ्य के ऊपर अच्छा लाभ मिल रहा है, हम उनको बना के दे रहे हैं जी। आपने उसको संजो कर रखा और आगे समाज को बांट रहे हैं। बांट रहे हैं जी। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, च्यवनप्राश के बारे में अक्सर लोगों की एक भ्रांति है जो सुनने में मिलती है कि च्यवनप्राश की तासीर गर्म होती है, इसको खाने से शरीर जैसे गर्मी होने लग जाती है, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? भाई साहब ऐसे है, मैं आपको बता दूं कि च्यवनप्राश कभी गर्म नहीं करता। अभी इसमें कुछ ऐसे घटक आपने गलत डाल दिए, या फिर आंवला आपने जो है दीपावली से आसपास, या ये समझ लीजिए दिसंबर से पहले का ले लिया, तो वो आंवला पित्त को बढ़ाएगा, गर्मी पैदा करेगा जी। तो जो आंवला सही विधि से पका हुआ हो और उसको कैसे उसकी पिष्टी बनाई जाती, जैसे अभी आप देख रहे हैं, अभी ये जो पिष्टी है इसके अंदर ये सफ़ेद सफ़ेद अच्छी तरह भुन चुकी है, और यहाँ पे ये जो पीला जो रंग दिख रहा है, ये पीला जो रंग है ये गाय के घी का है, तो इसको अच्छी तरह घी छोड़ चुकी है पिष्टी। तो गाय के घी के अंदर जब पिष्टी भुनी जाती है और उसमें जो आंवला लिया जाता है, आंवला भी मैं आपको बताऊंगी आंवला हम कैसा प्रयोग करते हैं। जो लोग आंवला जो पहले लेते हैं वो पित्त को बढ़ाएगा। जब आंवला आयुर्वेद में लिखा है कि अपना पूर्ण गुण उसके अंदर आ जाता है, उसके अंदर सवर्ण की मात्रा आ जाती है, तो उसके अंदर एक लालिमा आ जाती है। लालिमा यानी मतलब कलर चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। जैसे ये आंवले है सकते हैं ये जी, हाँ गोल्डन कलर सा आने लग जाता है। हाँ तो ये जो इसका सवर्ण तत्व होता है, ये आंवला कभी पित्त को नहीं बढ़ाएगा। और ये आंवला मैं पहाड़ी क्षेत्र से हिमाचल से लेके आया हूँ, तो वहाँ का वातावरण, वहाँ का कल्चर बहुत बढ़िया है। मेरी लगन थी एक अच्छा एक शुद्ध आंवला प्रयोग करूँ। तो जब इस आंवले को हम गाय के घी में इसकी पिष्टी बनाते हैं, और उसके बाद में कुछ जड़ी बूटियों का हम चुनाव करते हैं जो एकदम जंगली जड़ी बूटियाँ होती है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मैं ज़्यादातर भाई साहब आपको बता दूँ कि बाजार से बहुत ही निमन 70 रुपये जड़ी बूटी लेता हूँ जो मुझे नहीं मिलती है। बाकी ज़्यादातर जड़ी बूटियाँ मैं खुद जंगल से इकट्ठी करता हूँ, हिमाचल उत्तराखंड या मेरा जो बिरानी एरिया है वहाँ से मैं लेता हूँ, वही जड़ी बूटियाँ इसके अंदर डालता हूँ। और ये जो च्यवनप्राश है कभी भी आप किसी मौसम में खा सकते हैं, आपकी पित्त को नहीं बढ़ाएगा, शरीर में गर्मी पैदा नहीं करेगा, इसके फ़ायदे मिलेंगे आपके शरीर को।
च्यवनप्राश खाने को लेकर भी लोगों के मन में अक्सर एक गलत धारणा देखी जाती है। कुछ लोगों का मानना यह है कि च्यवनप्राश खाना खाने से पहले खाया जाना चाहिए, कुछ ये मानते हैं कि सोते टाइम खाएं, या कुछ मानते हैं कि खाना खाने के बाद खाएं। इस बारे में और थोड़ा बताएं कौन सा तरीका सही रहेगा। जी, च्यवनप्राश को हमेशा ही रात्रि को भोजन के बाद में ही, एक घंटे बाद में ही सेवन करना चाहिए। आप या यूँ कह सकते हैं कि लगभग जब हमने भोजन, मान लीजिए 7 बजे के करीब हमने भोजन कर लिया है, तो 8 बजे हमें च्यवनप्राश का सेवन करना चाहिए। और च्यवनप्राश मैं तो यूँ कहता हूँ कि आप दूध के साथ सेवन ना करें, इसको दूध की बजाय आप सीधा एक चम्मच कम से कम 10 मिनट धीरे धीरे लार के साथ चबा चबा के खाएं, और ऊपर से थोड़ा सा गुनगुना आधा कप एक कप पानी पी लें। तो इसके अंदर आपने कौन कौन से घटक डाले हैं उसके बारे में और थोड़ा बताइए। जी, घटक इसमें मुख्य रूप से जो इसका कंटेक्ट रहता है जी, वो है मेन इसमें आंवला। ठीक है, उसके बाद में फिर हमारे ये तमाम तरह की जड़ी बूटियाँ हैं, और मीठे में हम इसमें जो है आपको बताएंगे क्या इस्तेमाल करते हैं। पहले आपको मैं जड़ी बूटियों का चुनाव बता देता हूँ। इसमें ये चंदन है जी। जी, आप देखेंगे बाजार के अंदर चंदन के नाम से लकड़ी का बुरादा उसमें लाल रंग करके बेचा जाता है, ओरिजिनल चंदन नहीं मिलता है जी। तो हम जो ये चंदन लेके आए हैं बिल्कुल ओरिजिनल है, इसमें मन के देखे आप कटे हुए हैं, ओरिजिनल चंदन है। चंदन का गुण होता है जी, हमारे रक्त को शुद्ध करता है और ये ठंडा होता है जी, शरीर के अंदर तासीर ठंडी रहती है। इसी तरह ठीक ये वंशलोचन है, वंशलोचन आप बाजार में जाएंगे आपको वंशलोचन के नाम से सिंथेटिक वंशलोचन दिया जाता है 200-300 रुपये किलो, जो हमारे शरीर के अंदर गर्मी पैदा करता है, वो केमिकल होता है। और ये जो वंशलोचन है आप इधर दिखा सकते हैं दर्शकों को, ओरिजिनल वंशलोचन है जी ये, और ये बांस से प्राप्त होता है, नेचुरल है ये। ठीक है, और मैं बता दूं कि ये वंशलोचन है, इसका रेट है जी थोक का हमारा 4,500 रुपये किलो जी, ये वंशलोचन इसके अंदर डाला जाता है। तो ये वो चीजें हैं, गाय का घी है, गौ माता का घी है, हमारे जो जो जंगल में चरती है जो गाय, उन्हीं का घी है जी ये। ठीक है, जो जंगल में चरती है जो कांकरेच नस्ल की, वही गाय का घी हम इसमें प्रयोग करते हैं। तो ये ठंडी जड़ी बूटियां हैं, जैसे ये नागरमोथा है ये ठंडा है, चंदन ठंडा है, गाय का घी ठंडा है। ये सी क्या रखी हुई है? ये गुड़ है जी, हमारा जो जंगली खेती का गुड़ है। और इस गुड़ की मैं आपको बता दूं, मैं मध्य प्रदेश से बालाघाट क्षेत्र से लेके आया हूँ। सचिन जैन जी हमारे एक मित्र है, उन्होंने वो जंगली खेती करते हैं जी, और उस खेती से ये गुड़ हमें प्राप्त हुआ है। और इस गुड़ की खास बात है, इसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है जी, और जब इसको फोड़ते हैं तो हम छीनियों थोड़े से फोड़ते हैं जी, और इस गुड़ से हम चाय बनाए या दूध गर्म दूध में डालें, खीर बनाए, तो दूध नहीं फटता है। जब खास बात यह है कि इसका हमने जब च्यवनप्राश बना के डायबिटीज जो मरीज है उनको हमने च्यवनप्राश दिया, तो उनको डायबिटीज में भी फायदा हुआ, दूसरा डायबिटीज नहीं बढ़ी जी उनकी। ये इस गुड़ की ये खास बात ये है। इसके अलावा भी हम एक डालते हैं जी, जंगली जो छोटी मक्खी होती है, ये जो शहद है ये जंगली मक्खी का है जी। ठीक है जी, ये शहद हम इसके अंदर डालते हैं जी, जैसे अभी ये जो घुटाई हो जाएगी, जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें प्रक्षेप डाला जाएगा, तो उसके बाद में जो है ये शहद डाला जाएगा। तो ये छोटी मक्खी का शहद है जी, जंगली जो छोटी मक्खी होती है उसका शहद होता है। और जो मैं आपको बता रहा केसर, जो केसर युक्त च्यवनप्राश बनाते हैं, तो ये केसर है जी, ये हम कश्मीर से मंगाते हैं जी, पांपोर क्षेत्र से। ठीक है, हाँ, ये ओरिजिनल केसर है। तो ये केसर युक्त भी च्यवनप्राश बनेगा, आज वो केसर वाला ही च्यवनप्राश बना रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें खांड वाला चाहिए, तो उसके लिए हमें खांड है, ये देखिए। ठीक है, ये भी एकदम जैविक, या फिर ये कह सकते भी नेचुरल जो खेती है उसके द्वारा ये खांड बनती है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। ये खांड हम इसमें प्रयोग करते हैं, खांड वाला और गुड़ वाला, दो तरह के च्यवनप्राश हम बनाते हैं। और जड़ी बूटियां मैं आपको बता दूं, ये दशमूल है जी। जी, दशमूल का बड़ा महत्व रहता है, दशमूल के बारे में कई हमारे ग्रंथों में लिखा गया, दशमूल कवात है। तो दशमूल में ये 10 जड़ी बूटियों का ये मूल होता है, उसके बाद में ये है वासा। वासा जो होता है, वासा कफ रोगों में बड़ा प्रभावी है, जो कफ रोग होते हैं उसमें बहुत प्रभावी रहता है कफ रोगों में। जो दमा अस्थमा के रोगी हैं उनको वासा आंवले या वासा रिष्ट वगैरह आयुर्वेद में सलाह देते हैं, तो ये वासा है। इसके अलावा देखो ये मुलेठी है जी, कफ रोगों में बहुत बढ़िया काम करती है, मुलेठी इसके अंदर डाली जाती है, रक्त को शुद्ध करती है और रक्त में जो हमारे खराबी है उसको ठीक करती है। ये नागरमोथ है, ये भी ठंडा होता है। कमलगट्टा शक्ति प्रदान करता है, कमलगट्टा का बड़ा महत्व रहता है। इसी चले अब मैं एक शक्तिशाली चीज़ और आपको बताता हूँ, ये देखिए, ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है और इसको बोलते हैं विदारी कंद जी। हाँ, ये पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं जी, ये भी इसके अंदर डाला जाता है। और एक और बता दूँ, जो कई लोग च्यवनप्राश में देखते हैं नहीं भी डालते हैं,
सिर्फ डिब्बे पे लिखा होता है। हाँ हाँ लिखा होता है जी। तो हाँ इसके साथ में ये शतावरी भी है, पीली शतावरी। हाँ ये शतावरी है जी, जो एकदम पीली जो शतावरी होती है ये वो शतावरी हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ये टगर है, इसमें बहुत खुशबू होती है जी टगर के अंदर। और ये यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, तीन चार चीज़ें, ये जो है दालचीनी है, और ये दालचीनी है जी, और इसके अलावा यहाँ पर ये काली मिर्च है, और जावित्री, जावित्री ये है जी हम जो इस्तेमाल करते हैं, जावित्री एकदम बिल्कुल बिना तेल निकली हुई, ठीक है, हम जावित्री मंगाते हैं वही इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। नाग केसर ये रही जी, और काफ़ी सारी औषधियाँ, हाँ बहुत सी जड़ी बूटियाँ हैं जी, जायफल है, ये भी हम अच्छी कंपनी का अच्छी क्वालिटी का लेते हैं जी, जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं हम जंगल से ज़्यादा लेते हैं जी, और वही ये इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं और इसी से ये च्यवनप्राश बनाते हैं जी। जी अभी जो आप च्यवनप्राश तैयार कर रहे हो ये कौन से, जैसे आपने बताया एक तो केसर युक्त, एक जो आपने बताया खांड से और गुड़ से जी। अभी ये जो च्यवनप्राश बन रहा है ये खांड वाला है जी, ठीक है, और ये केसर युक्त बनाएंगे अभी इसमें संजय, अभी इसमें केसर की घुटाई होगी, केसर इसके अंदर डाला जाएगा जी, अभी खरल के अंदर जो है ये केसर की घुटाई की जाएगी, और इसके अंदर जो हम ये जो मैंने आपको बताया था जिसमें प्रक्षेप द्रव्य होता है, जो च्यवनप्राश की जान होती है, जायफल, जावित्री, लौंग, दालचीनी, तेजपत्ता, वंशलोचन, नाग केसर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इसका पाउडर है, अच्छी तरह इसको पीस के अभी ये डाला जाएगा, और इसके साथ में जो है अभी ये केसर है, केसर की भी इसमें घुटाई होगी, केसर भी इसमें डाला जाएगा। तभी मैं इसके अंदर सबसे पहले ये जड़ी बूटियों की जो मेन जान है च्यवनप्राश की ये डाल रहा हूँ जी, साथ में इसकी घुटाई होती रहेगी, ठीक है। तो आयुर्वेद में कहावत है मर्दनम बलवर्धनम, जितनी घुटाई होगी उतनी उसकी जो पावर है बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसकी भी एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है कितना डालना जी, होता जी, है? जी जी जी, इसकी लिमिटेड क्वांटिटी होती है जी, जैसे हमने ये इस कढ़ाई के अंदर 30 किलो ये च्यवनप्राश तैयार होगा तो इसके अंदर हम 800 ग्राम ये प्रक्षेप द्रव्य डालते हैं जी, जितनी भी जड़ी बूटियाँ रहती हैं उनकी सबकी एक मापदंड होता है जी, उसके हिसाब से सारी चीज़ें डाली जाती है जी। तो सर बनाने का प्रोसेस और थोड़ा संक्षेप में आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए किस प्रकार से आप तैयार करते हैं जी। बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आंवला है उस आंवले को हम पानी में डाल के उसको गर्म करेंगे मंदी आंच पे, जब आंवला थोड़ा नरम हो जाएगा तो फिर उसके अंदर गुठली निकाल के उस आंवले को हम किसी जो झार होती है या फिर कोई ऐसा कपड़ा हो उस टाट जैसा या कोई छलनी हो बारीक उसके ऊपर हम उसकी रगड़ाई करेंगे तो गुठली और उसका गुद्दा है वो ऊपर रह जाता है और नीचे जो है मेन उसका जो सत्त होता है वो निकल आता है, जो आंवला होता है उस आंवले के गुद्दों क्या करते हैं हम फिर उसकी गुठाई करते हैं हम जी, और उसको हम घी के अंदर पकाते हैं, गाय के घी के अंदर इसको पकाते हैं, जब गाय के घी के अंदर पकाते पकाते जो आंवले की पिष्टी है वो घी छोड़ देती है, जब घी छोड़ देती है तो उस पिष्टी को हम जैसे इसके अंदर आपको बताया था आंवले की पिष्टी है तो वो आंवले की पिष्टी हमको रख देते हैं स्टील की टंकी के अंदर उसके ऊपर घी डाल के, ठीक है। फिर जो जड़ी बूटियाँ मैंने आपको जितनी जड़ी बूटियाँ ये बताई थी ये सारी जड़ी बूटी हम कूट के लोहे की कढ़ाई में 24 घंटे के अंदर भिगो के रखते हैं पानी में, भिगोने के बाद में उसको दूसरे दिन हम इसको मंदी मंदी आंच पे पकाते हैं, लगभग 2 दिन और 2 रात जो है वो कवा धीरे धीरे पकता रहता है, तो जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं उनका सारा सवरस है उसके अंदर कवात के अंदर आ जाते हैं। उस कवात को हम क्या करते हैं फिर उस कवात के अंदर जैसे हमने देसी खांड बताई, गुड़ बताई, वो मीठा डाल के उसकी चाशनी बनाते हैं, सारी जड़ी बूटियाँ गुण उसके अंदर कवात के अंदर होता है जी। जब वो चाशनी अच्छी तरह बन के तैयार हो जाती है उसके अंदर जो आंवले की पिष्टी है वो डाल के आपके सामने अभी डाली है और उसकी घुटाई की जा रही है, ठीक है। और जो बाकी 9-10 जो जड़ी बूटी होती है, जायफल, जावित्री, लौंग, दालचीनी, तेजपत्ता, वंशलोचन, वो अलग रखी जाती है, उनका जो पाउडर है इसके अंदर साथ साथ में डाल के मर्दन किया जाता है और अंत में जाके जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा लास्ट में जाके जो है इसमें शहद डाला जाएगा, ठीक है। शहद डालने के बाद में जो है कांच की हमारी पैकिंग रहती है उसमें पैकिंग करते हैं जी। सर इसको कांच के डिब्बों में ही क्यों डाला जाता है? कांच के डिब्बों में हम इसलिए डालते हैं जी, जो कांच जो होता है कांच के अंदर हम कोई भी जैसे मिट्टी के अंदर या कांच के अंदर या लकड़ी के अंदर या बैक्टीरिया और फंगस ना पनपे, हाँ
तो उसमें क्या है कि ये इसकी जो सेफ लाइफ है बढ़ जाती है। प्लास्टिक के अंदर हमें कोई चीज इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे जो प्लास्टिक के गुण जो है उसको प्रभावित करते हैं, तो प्लास्टिक के अंदर हम कोई चीज जड़ी बूटी हम नहीं रखते हैं, इसलिए हम जो कांच के अंदर इसका पैकिंग रखते हैं ताकि एक लंबे लॉन्ग टाइम लंबे समय तक, कईयों के पास तो पिछले साल का भी क्यों उन्होंने ज्यादा मात्रा में च्यवनप्राश मंगा लिया था तो वो कह रहे हम बाद में पता नहीं हमें जल्दी से आप बनाए ना बनाए तो वो अभी तक खा रहे हैं जी। तो इस कांच के अंदर ये हमारी पैकिंग रहती है जी राम रसोई की च्यवनप्राश की जी। तो ये भी आप किसान भाइयों नजदीक से देख लें, जहां भी आपको च्यवनप्राश लेने की जरूरत पड़े तो आप रंगीन डब्बों में बंद काला गुड़ खाने से बचे, और इस तरीके के यदि आप स्वदेशी उत्पाद लेते हैं तो कहीं ना कहीं इन किसान भाइयों को भी आत्मबल मिलेगा। तो अभी आपने पैकिंग देखी सर, ये कितने किलो की पैकिंग में आप पैक कर रखते हैं? ये 1 किलो की पैकिंग है जी हमारी जी जी। तो 1 किलो की पैकिंग में हम बनाते हैं जिसमें 1 केसर वाला रहता है और 1 बिना केसर वाला है। केसर वाला मैं आपको बता दूं भाई जी, अभी मार्च मास तक हम खाने की सलाह देते हैं, जैसे अभी फरवरी चल रहा है, जनवरी चल रहा है, फरवरी और मार्च, तो मार्च की शुरुआत तक हम जो है केसर की जो युक्त च्यवनप्राश है खाने की सलाह देते हैं। और उसके बाद में जो हमारा ये जो राम रसोई च्यवनप्राश है ये 12 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं जी। केसर वाला इसमें केसर युक्त लिखा होगा, मैं आपको थोड़ी देर में डिब्बा बताऊंगा। और ये किसी भी समय खा सकते हैं आप इसको, सर्दी गर्मी किसी मौसम किसी मौसम में खा सकते हैं, ये आपको गर्म नहीं करेगा। खाने की क्वांटिटी क्या रखें इसकी? 1 चम्मच जो है बड़े जो 10-12 साल से बड़ा कोई भी हो 100 साल तक उसको हम 1 चम्मच कहते हैं, 1 चम्मच खाएं। और जो 5-7 साल से बड़ा बच्चा है कोई 5 साल से लेके 10 साल तक का उसको 1/2 चम्मच खाने की सलाह देते हैं जी। ठीक है, यानी उसे छोटे बच्चों को ना दे ये? हाँ, उससे छोटे बच्चों को ना दे। सर ये तो हो गया अपना बनाने का प्रोसेस, अब मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि यदि इसको जैसे 5 साल से बड़ा कोई बच्चा या फिर इससे बड़े जो युवा साथी हैं अगर इसको खाते हैं तो क्या कुछ फायदे उनको देखने को मिलेंगे? जी भाई जी, सबसे अच्छा सवाल आपका ये, क्योंकि हम कोई चीज़ कोई औषधि सेवन करते हैं, बनाने का हमने देख लिया कैसे बनाई जाती है, अब इसका शरीर को बेनिफिट क्या है, शरीर को क्या फ़ायदा है? तो अभी तक अनुभव के आधार पे जो लोगों को मैंने दिया है, जो लोगों के अनुभव मेरे पास आए हैं उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पुरानी से पुरानी जो कब्ज थी लोगों की वो ठीक हो गई है। यानी कि जो लोग रात्रि को भोजन के बाद में इसका 1 चम्मच सेवन करते थे उनकी जो पुरानी कब्ज थी वो ठीक हुई इससे। कई ऐसे लोग मेरे पास आए हैं जिनको दमा था, सांस फूलता था, दमा अस्थमा जिसको बोलते हैं अस्थमेटिक जो बीमारी, वो इस च्यवनप्राश के सेवन से उनका दमा अस्थमा ठीक हुआ है जी। एक पे नहीं, कई लोगों का मैंने रिजल्ट लिए हैं। इसी तरह नजला जो आप देख सकते हैं, बहुत से मरीज मिल जाएंगे नजला साइनस होता है, आपको छींक के आपका नजला ठीक हो जाता है इससे। और पेट में पैनक्रियाज को ये ठीक करता है, पेट में कोई भी बीमारी आपकी तोंद बड़ी हुई है, आंतों के अंदर मल है, जब आंतों के अंदर पुराना मल गंदगी बाहर निकल जाएगी तो आपकी आंत जो है सामान्य स्थिति में आ जाएगी, आपका जो बड़ा हुआ पेट है यानी कि मोटापा को भी ये ठीक करता है। इसके कई फायदे हमने, जो बच्चे बीमार रहते थे जिनकी इम्यूनिटी डाउन रहती थी, जब बच्चों को जब च्यवनप्राश का सेवन कराए तो वो बच्चे हेल्दी रह गए, मतलब एकदम स्वस्थ रहने लगे, वो बोले हमारे अभी जो बच्चे हैं उनको कोई बीमारी नहीं आ रही है। तो कई हमने रिजल्ट इसके ऊपर लिए हैं जी। जी सर, आजकल एक और जो प्रचलन है, अक्सर बच्चे 2 ही मिलते हैं, 1 लड़का या 1 लड़की या फिर 2 लड़के जी। और एक चीज अक्सर हमने माताओं को कहते हुए सुना है कि हमारा लड़का खाता तो खूब है लेकिन इसके लगता नहीं है, यानी बॉडी डेवलपमेंट उसका सही ढंग से नहीं हो पा रहा, तो क्या उसमें भी ये काम करेगा? इसमें बहुत ज़बरदस्त काम करेगा। कारण क्या है कि उसका जो कहीं हमारी भी गलती रहती है कि आजकल हम क्या है कि जंक फूड जो बाजार में जो भी चीज़ें मिलती है, बर्गर वगैरह, पिज्ज़ा बर्गर या कुरकुरे वगैरह वो खिलाते हैं, तो उसके अंदर कुछ एजिनोमेटो वगैरह पता नहीं क्या क्या केमिकल डाले जा रहे हैं जो हमारे पाचन क्रिया को बच्चों को वो ख़राब कर देते हैं, लीवर कमज़ोर आजकल के बच्चों के। तो इसके अंदर हमने अश्वगंधा डाला है, जो भूमि आंवला डाला है, पुनर्नवा इसके अंदर हमने डाली है, तो वो ऐसी जड़ी बूटी है जो आपका जो पाचन तंत्र है उसके अंदर जो अग्नि आपके मंद है तो उसको ये ठीक करता है। भूख लगती है, जो बच्चे कहते हैं हमारा नहीं खाते, अभी मेरी दादी माँ है कि यहाँ पे हमारे परिवार में तो उनको भूख नहीं लगती थी, मेरी खुद धर्मपत्नी इस पर बताई गई जी। बताइए, दादी माँ को मान लो कि वो शुगर की मरीज थी, वो बेचारी ज़्यादा बीमार हो गई थी, तो मैं उनसे मिलने गई, पहले तो वो हॉस्पिटल में थे, फिर मैं उनसे मिलने गई तो मैंने कहा दादी जी कैसे हो, बोले बेटा वैसे तो ठीक हूँ लेकिन मेरे को भूख नहीं लगती, 4 दिन से बस भूख बिल्कुल भी नहीं, खाया पिया कुछ नहीं था। हाँ, खाया पिया कुछ नहीं था। तो मैंने घर से थोड़ा च्यवनप्राश जो शुगर फ्री जो गुड़ वाला बनाया था वो मैं थोड़ा सा दे के आई थी उनको, तो वो मान लो 2 दिन में जा नहीं पाई, 3रे दिन गई, मैंने कहा दादी जी कैसे हो, बोले वाह बड़ा अच्छा किया आपने मुझे जो ये च्यवनप्राश दिया, मैं दोनों टाइम खाती हूँ और बिल्कुल सही हूँ, अभी मेरे को भूख लगती है, तो वो दिन में
तीन चार बार रोटी खाने लग गई, भूख खुल गई। हाँ, भूख खुल गई। मैम एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, अक्सर कहा जाता है किसी भी पुरुष की कामयाबी के पीछे एक महिला का हाथ होता है जी, कहीं ना कहीं आप भी अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये काम कर रही हैं, सारा कुछ बनाने से लेकर इसको फ्रिज में रखने तक, और गांव में भी आपने इन्होंने बताया कि प्रेरणा या चेतना का काम आप कर रही हैं कुछ ना कुछ महिलाओं को, इस बारे में जरूर बताती हैं कि आपको किस तरीके से अपने घर से ही कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ तरीके बदलने पड़ेंगे, इस बारे में और थोड़ा बताएं जी। मेन बात ये है कि अगर हम घर में कुछ सुधार करेंगे तभी बाहर बोलेंगे जी, क्योंकि घर से ही चलता है पहले। मैंने राजीव भाई को सुना था सन 2011 में, तो सुनने के बाद में मेरे पास एल्युमिनियम के बर्तन थे, मैंने सब कबाड़ वाले को फोड़ के दे दिए। तो एक प्रेशर कुकर था बिल्कुल नया, वो बोला कि मेरे को नया ही दे दे, मैं और को दे दूंगा। फिर मैंने कहा भाई मैं तेरे को नया क्यों दूंगी, मेरे घर से बीमारी निकाल के तेरे को क्यों दूंगी, तू आगे बीमारी देगा। हाँ, तो मैंने वो बिल्कुल तोड़ के दिया। फिर गाँव में मैंने प्रयास किया, मैं घर से दो चार घंटे निकला करती थी, औरतों को बताती थी कि आप मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाओ, तो मेरा मजाक बहुत उड़ा था, फिर भी मैंने लगन नहीं छोड़ी। फिर मैंने उनको कहा कि अगर आपके एल्युमिनियम के बर्तन मैं ले जाऊं, घर में ले जा के रख लिए, और उनको एक मिट्टी की हांडी और लोहे की कढ़ाई दे दी, ये आप इसमें बना के देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, ना लगेगी तो आपको मैं वापस दे दूंगी आपके बर्तन। हाँ, तो फिर वो जैसे ही 10-15 दिन बना के खाती थी तो उसको आदत लग जाती थी, तो फिर कहती हाँ आपने बहुत अच्छा किया, हमें मिट्टी की हांडी दी, यानी आपके प्रयास से वो रंग लाए हैं। हाँ, तो फिर मैंने गांव में कम से कम 80% औरतें मान लो एल्युमिनियम के बर्तन निकाल दिए और मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने लग गई। यानी ये काम आपने अच्छा किया कि आपने गांव की 80% आबादी को कम से कम ये समझाने में जरूर कामयाब रही। मेरे को समय बहुत लगा था उस समय, कम से कम 2 साल लग गए थे ऐसे ऐसे करते करते, दुनिया सारे गांव वाले पागल कहते थे मेरे को। मैंने कहा अब आप पागल वही होता है जो गल को पा लेता है। जी बिल्कुल सही है, मैं मानता हूँ इस चीज को। आप एक चीज और बताइए, अक्सर कहा जाता है अपने हिंदू धर्म में भी गाय को माता का दर्जा दिया गया है। हाँ जी, अगर अपने एक घर में प्रत्येक घर में एक खूंटे के ऊपर देसी गौ माता हो तो हाँ। आपकी जो आपकी ये तकनीक है स्वदेशी तकनीक, इसको और बढ़ावा मिलेगा। हाँ जी, इसमें ये है कि हर घर में गाय होगी तो एक तो गौशाला में गाय कोई देख के नहीं आएगा जी। और गाय रहती है ना घर में, उस घर घर की ऊर्जा बहुत अच्छी रहती है, वास्तु दोष और ऑटोमेटिकली ठीक रहता है। चवनप्राश बनाया कैसे जाता है, इसमें क्या क्या चीजें डलेंगी, हर एक के बस की बात नहीं है कि इसको घर पे बना ले। अगर ये बना बनाया चवनप्राश कोई अपनी वीडियो देख करके मंगवाना चाहे या लेना चाहे तो आपसे कैसे संपर्क करे? जी भाई जी, हमारा जो मोबाइल नंबर है उस नंबर पे वो फ़ोन करके और फ़ोन के माध्यम से कुरियर द्वारा हम ये भेजते हैं और बिल्कुल सेफ्टी से जाता है जी। तो कहीं पर भी मंगवा सकता है जी, किसी भी जगह मंगवा सकता है। ऑल इंडिया डिलीवरी? हाँ, ऑल इंडिया डिलीवरी है जी। तो अपना संपर्क सूत्र बता दीजिए, आप कैसे संपर्क करें? हमारा संपर्क सूत्र है जी 8199-9966-81999-9966 जी। इन नंबरों पर फोन करके कहीं भी मंगवा सकते हैं जी। ये केसर रह गया था जी, अभी हम थोड़ा सा दर्शकों को बता दें, ये केसर की घुटाई होने के बाद में हम इसको डाल रहे हैं जी, और जब पूरा केसर की घुटाई हो जाएगी तो इसके बाद में अंत में जो है छोटी मक्खी का शहद डाला जाएगा जी। और इस पूरी प्रक्रिया में कितना टाइम लग जाता है आपको? इसको बनाने में हमें जी जैसे 2 दिन तो जड़ी बूटियों को कूट के कवाथ बनाया जाता है, फिर जो है जो कवाथ बनने के बाद में 2 दिन यानी कि 4 दिन में जाके चवनप्राश तैयार होता है जी। 3 से 4 दिन लगते हैं जी इसको बनाने में। अभी जो है ये जो चवनप्राश है ये ठंडा हो गया जी, मतलब बहुत देर हो गई इसको, कम से कम आधा घंटा से ज़्यादा हो गया इसकी घुटाई करते करते। देख सकते हैं बहुत गाढ़ा हो चुका है ये, मतलब ठंडा हो गया। तो ठंडा होने के बाद में इसको शहद को डाला जाएगा, और ये जंगली जो मक्खी होती है छोटी मक्खी जिसको जंगली मक्खी बोलते हैं उसका शहद है, और जो छोटी मक्खी में और जो पालतू मक्खी में वही फर्क होता है जो अमेरिकन गाय और हमारे देसी गाय में फर्क होता है। तो ये प्रकृति से जुड़ के नेचुरल चीज जो लेके आती है तो इस शहद का बड़ा बेनिफिट रहता है, यही हम इसके अंदर डालते हैं जी। अब ये देखिए धीरे धीरे इसके अंदर डालेंगे, ये घुटाई करते रहेंगे जी, अंत में डाला जाता है क्योंकि जो गर्म में कभी भी शहद नहीं डाला जाता, न किसी गर्म चीज के साथ शहद लिया जाता जी।
तो ये अभी ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद सबसे लास्ट में ये ऐड करते हैं आप, लास्ट में डालते हैं जी। और मलिक भाई जी, सबसे हमारी विशेषता अलग क्यों है च्यवनप्राश में बताता हूँ, जहाँ से प्रकृति से जुड़े हुए हम जो चीज़ प्रयोग करते हैं उसके साथ में ही हमारा ये जो राम रसोई है ये प्रभु श्री राम जी की कृपा से चलती है। और जो भी औषधि बनती है तो इसमें सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त में हमारे राम दरबार है, ये राम मंदिर है, यहाँ पे दीपक प्रज्वलित करके देसी गाय के घी से, और पूजा करने के बाद में जो हमारी ये भट्टी है ये लकड़ियों से, नेचुरल गैस का प्रयोग नहीं करते हम, लकड़ियों से चलती है। और इसकी जो शुरुआत होती है, मेरी धर्मपत्नी है, वो नारियल गोला होता है उसमें गाय का घी डाल के उससे जो है अग्नि प्रज्वलित होती है, तो एक प्रकार से वो हवन हो जाता है छोटा, उसी के साथ ही हमारी भट्टी का शुरुआत होती है। और राम नाम का जप है, पूरे दिन भजन चलते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जो चीज़ बना रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से बना रहे हैं। और इसके अंदर जो रामरस जो घुलता है उसके अंदर, उसी का ही प्रभाव है जी, जो आज सैकड़ों लोगों के पास ये च्यवनप्राश जा रहा है। और सब लोग कहते हैं जी, आज तक अपने जीवन में ऐसा स्वादिष्ट च्यवनप्राश हमने नहीं खाया, ऐसा आप क्या मिलाते हैं जी। तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि इस च्यवनप्राश में, राम रसोई च्यवनप्राश में राम रस घुला हुआ है जी, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ये बना जी, ये तो राम रसोई है, उन्हीं की कृपा से चलती है जी। ठीक है किसान भाइयों, ये थे हमारे साथ रामपाल जी, जो कि बहुत ही अच्छी मुहिम भी इन्होंने चला रखी है स्वदेशी, और किस तरीके से समाज को भी बदला जाए, और जो उत्पाद ये तैयार कर रहे हैं 100% प्राकृतिक शुद्ध उत्पाद हैं, ये आप इधर देख सकते हैं अन्नपूर्णा राम रसोई इनके द्वारा जो संचालित की जा रही है। तो आप सबका भी कर्तव्य बनता है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स, फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि पे शेयर करें, ताकि ये वीडियो किसी भी ज़रूरतमंद किसान भाई के पास पहुँचे। अगर वो पहले से किसी जैसे श्वास, दमा इत्यादि बीमारियों से पीड़ित हैं तो ये सब चीज़ें लेकर के वो अपनी इन बीमारियों से मुक्ति पा सकें। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, जय गो माता।